साल का आखिरी महीना दिसंबर खत्म होने जा रहा है। इसके बाद नए साल की शुरुआत होगी। नए साल की शुरुआत के साथ कई नए नियम लागू हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपने ये सभी काम नहीं किए हैं तो इस साल के आखिरी तक इन सभी कामों को पूरा कर ले, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सभी कामों को 31 दिसंबर से पहले खत्म कर ले। दरअसल नए साल की शुरुआत के साथ आयकर, बैंक लॉकर और आधार कार्ड में बदलाव आदि से जुड़े कई नए नियम लागू होने वाले हैं। सबसे पहला काम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी। अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया है तो आप वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 1 दिसंबर तक जुर्माने के साथ ITR भर सकते हैं। अगर आपकी आय 5 लाख से अधिक है तो आपको जुर्माने के रूप में 5,000 रुपए देने होंगे। वहीं 5 लाख से कम सालाना आय वाले लोग 1,000 रुपए जुर्माने के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा समेत किसी अन्य बैंक में लॉकर सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित लॉकर एग्रीमेंट को लागू करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में आप एग्रीमेंट जमा कर दें, ऐसा नहीं करने वाले ग्राहकों को लॉकर भी छोड़ना पड़ सकता है। यदि आपने अपने आधार कार्ड में बदलाव कराना है तो इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर तक आप फ्री में आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अगले साल 1 जनवरी से आपको बदलाव के लिए 50 रुपए का भुगतान करना होगा। 31 दिसंबर 2023 से नए सिम खरीदने के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। दूरसंचार विभाग के मुताबिक 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए पेपर बेस्ड KYC को खत्म किया जा रहा है। ग्राहकों को नया सिम लेने के लिए अब पेपर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। नए सिम कार्ड लेने के लिए आधार ई बेल्ड डिजिटल KYC प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके अलावा नए साल से कारों के दामों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, मर्सिडीज और ऑडी समेत कई कंपनियों ने महंगाई का हवाला देकर 1 जनवरी से कारों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। इसलिए यदि आपको कार खरीदनी है तो तुरंत खरीद ले। एक खबर यह भी है कि ब्लू डॉट समेत एक्सप्रेस लॉजिस्टिक ब्रांड का संचालन करने वाले DH ग्रुप ने 1 जनवरी से पार्सल बेचने की सामान्य कीमत में 7% की वृद्धि की घोषणा की है। इससे ग्राहकों के लिए पार्सल भेजना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उन्हें एक बड़ी राहत दी गई है। दरअसल उनके लिए सेबी ने नॉमिनेशन अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। तो ये तो थी वो तमाम खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।